गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर कंटिन्यूइंग सेम चैप्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अगेन सेक्शन डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर कंटिन्यू करेंगे। फिफ्थ डेट मीन्स क्वेश्चन फिफ्थ क्या है? क्वेश्चन फिफ्थ देखो क्या, अपना बुक पर ध्यान देना। Write a note on the first Anglo-Sikh war of 1845 to 1846. तो क्वेश्चन किस चीज पे इम्फेसिस कर रहा है? क्वेश्चन इम्फेसिस कर रहा है कि फर्स्ट सिख वॉर जो है, ठीक है, फर्स्ट सिख वॉर जो है उस पर एक नोट बनाना है ना, मतलब उस पर एक टिप्पणी करना, उसका बारे थोड़ा सा बताना। तो देखो हम लोग यहां यही किए हैं कि पहले फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर था क्या वो बताएं, ठीक है, वॉर का बारे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। कोई भी क्वेश्चन का ना इंट्रोडक्शन होता है, चाहे वो एक लाइन का हो या पांच लाइन का हो, ठीक है। जिस तरह क्लास का सीनियरिटी बढ़ता है उस तरह क्वेश्चंस का आंसर करने का भी पैटर्न चेंज होता चला जाता है। तो नाउ योर पैटर्न इज इंट्रोडक्शन, चाहे वो एक लाइन का ही हो। तो इंट्रोडक्शन है फिफ्थ, एंग्लो सिख वॉर was fought between united force of Punjab and Britishers. पता चल गया एंग्लो सिख वॉर किसके बीच हुआ, ठीक है, कि ये यूनाइटेड फोर्स ऑफ पंजाब एंड ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ। तो यही है ना एंग्लो सिख वॉर, यही है ना, ठीक है, यही वॉर है कि यूनाइटेड फोर्स ऑफ पंजाब एंड ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ। तो बस अब उसी को यहां पर क्या किया हूं मैं, डिटेल कर दिया हूं थोड़ा सा, ठीक है, उसी चीज को मैं यहां डिटेल कर दिया हूं। तो ये सब चीज पर ध्यान देना, क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी रहेगा कि किस तरह से आंसर्स बनता। यहाँ पे डिटेल कर दिया हूं, देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह के साथ ब्रिटिशर्स पहले से संधि किया हुआ था, ट्रीटी किया हुआ था, पीस ट्रीटी, है ना, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। देन आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह द सिख बिल्ट ह्यूज आर्मी अगेंस्ट ब्रिटिश एंड अफगान। तो सिख लोग जो थे वो एक अपना स्ट्रांग आर्मी बनाए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड अफगान, मींस अफगानिस्तानियों के अगेंस्ट में। तो वो आर्मी को क्या कहते थे? आर्मी कॉल्ड यूनाइटेड फोर्स ऑफ पंजाब। उस आर्मी का नाम क्या था? यूनाइटेड फोर्स ऑफ पंजाब। तो यूनाइटेड फोर्स ऑफ पंजाब जो आर्मी था उसमें कौन कौन थे? हिंदू थे, मुस्लिम थे एंड सिख थे, ठीक है, ये सारे लोग थे। देन सिख फॉर्ड ब्रेवली विथ ब्रिटिश फोर्सेस। सिख लोग बहुत ही उमंग और बहुत ही पॉजिटिवली लड़ रहे थे, साहसिक युद्ध चल रहा था ये सिखों का, ठीक है। तो सिख फॉर्ड ब्रेवली विथ ब्रिटिश फोर्सेस। मीनवाइल उसी समय क्या हुआ कि जो सिख थे, है ना, सिख के पीएम प्राइम मिनिस्टर लाल सिंह और कमांडर तेज सिंह टर्न्ड इनटू ट्रेटर, वो अंग्रेजों के साथ मिली भगत कर लिए, है ना, टर्न्ड इनटू ट्रेटर, गद्दार बन गए। एंड पंजाब आर्मी वाज डिफीटेड, और पंजाब आर्मी का हार हुआ। एंड फोर्स्ड टू साइन ट्रीटी ऑफ लाहौर, और फाइनली ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ, लाहौर की संधि साइन हुई। यही है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, बस छोटा सा कहानी था उसी को बताए, ठीक है। तो आप लोग भी इसी टेम्परामेंट से पढ़ोगे कि कहानी है उसे बताना, और हिस्ट्री में थोड़ा सा आंसर का लेंथ लंबा हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसे स्टोरी की तरह लिखना होता, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो था उसका आंसर हो गया। एंड नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन क्या, ध्यान दो, आंसर में यहां दिखा दिया हूं लेकिन मैं अभी क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन पे ध्यान दो। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, ठीक है, पहले क्या बोल रहा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। ड्यूअल गवर्नमेंट जो था बंगाल में उसका मीनिंग बताइए, है ना, कि ड्यूअल गवर्नमेंट क्या था। फिर उसके बाद है हाउ डिड इट लेड टू पब्लिक सफरिंग, और फिर वो किस तरह पब्लिक सफरिंग में कन्वर्ट हुआ। तो डेट मीन्स की यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक हेडिंग के अंदर दो क्वेश्चन है, तो दो बार इसको आंसर करेंगे। तो सबसे पहले क्या, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल समझाते हैं हम लोग। तो सिक्स नंबर पे ध्यान दो, क्या है,
रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस्ड द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल, जैसे कि बताएं एक लाइन ही क्यों नहीं इंट्रोडक्शन हो, लेकिन देना जरूरी है। तो इंट्रोड्यूस कर दिए ड्यूअल गवर्नमेंट क्या था पहले, क्योंकि मीनिंग तो बता नहीं है इन डेप्थ उसे, तो अभी बता नहीं है, लेकिन उसे इंट्रोड्यूस कौन किया था वो बता दिए। रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस्ड द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। अब आगे ड्यूअल गवर्नमेंट का बारे बात करते हैं, ठीक है, इस जगह से। अंडर दिस सिस्टम नवाब वॉज ओनली अ पपेट इन अ हैंड ऑफ कंपनी। पपेट, ये पपेट मतलब क्या, कठपुतली होता है ना, वो जो गुड़िया बना हुआ रहता है और रहती है, जिसे एक धागा से हम लोग ट्विस्ट करवाते हैं, देखिए वो ना ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस होता कि जो डोल रहती है, ठीक है, उसे ऊपर से लोग धागा से कंट्रोल करते, मतलब कि पपेट मतलब कि खिलौना, हाथ का खिलौना, ठीक है। तो क्या हुआ, अंडर दिस सिस्टम नवाब वॉज ओनली अ पपेट, नवाब जो था, ठीक है, बंगाल का, वो सिर्फ अंग्रेजों का खिलौना बन गया, जिस तरह नचा रहा था उस तरह वो नाच रहा था। नवाब वॉज ओनली अ पपेट इन अ हैंड ऑफ कंपनी, ठीक है। फिर इस जगह से ध्यान दो, कंपनी एक्सरसाइजेज इट्स दीवानी राइट्स। कंपनी को जो दीवानी राइट्स मिला आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर का बाद है ना, जो दीवानी राइट्स अचीव किया कंपनी, वो तो किया ही, ठीक है। कंपनी एक्सरसाइजेज इट्स दीवानी राइट्स एज पर द ट्रीटी एंड ऑल्सो एक्सरसाइजेज निजामत राइट्स, और निजामत राइट्स भी वो एक्सरसाइज किया, कैसे, थ्रू द पपेट नवाब, है ना, मतलब कि नवाब का सहारे, ठीक है। डिसीजन लेता था ब्रिटिशर से, लेकिन आगे सकल किसका आता था, नवाब का, ठीक है। तो कंट्रोल कर रहा ब्रिटिशर से, लेकिन आगे सकल किसका, नवाब का। तो यही हुआ ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब दो तरह का गवर्नमेंट चल रहा था, देखने में तो लग रहा था नवाब गवर्नमेंट चला रहा, बट रियली है ना, इन रियलिटी पीछे से कौन हैंडल कर रहा था नवाब को, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, कंपनी वाले लोग हैंडल कर रहे थे, तो इसलिए हुआ ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल मतलब दो, ठीक है, तो दो है यहां पर, एक कंपनी है और एक नवाब है ना, कंपनी हैंडल कर रही नवाब को, तो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम बंगाल का हुआ, ठीक है। तो ये पहला वाला का आंसर हुआ, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। फिर क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करता है, हाउ डिड इट लेड टू पब्लिक सफरिंग, ठीक है, किस तरह ये पब्लिक सफरिंग बना, तो इसका आंसर ये है, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करोगे तुम लोग, उसका नीचे लिखोगे पैराग्राफ चेंज करके, थ्रू ड्यूअल गवर्नमेंट। अब यहां पर ड्यूअल गवर्नमेंट को डिफाइन नहीं करना, अब डायरेक्ट बताना है कि ये पब्लिक सफरिंग कैसे बना, तो इसलिए स्टार्ट करेंगे, थ्रू ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम ब्रिटिशर्स वेर बिजी इन ओनली, देखो ब्रिटिशर्स वेर बिजी इन ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग किया, अपना फायदा करने में सिर्फ लगा हुआ था, है ना, वो लोग ब्रिटिशर्स लोग सिर्फ अपना फायदा में लगा हुआ था कि किस तरह मैं ज्यादा से ज्यादा धन भारत से कमाऊं, प्राप्त करूं, है ना, वेल्थ किस तरह यहां का एक्सप्लॉइट करूं, है ना। दे वर ओनली फोकसिंग ऑन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का वेल्थ का एक्सप्लॉइटेशन पे उन लोगों का नजर था, तो वो लोग ड्यूअल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करके और एक्सप्लॉइटेटिव बन गए आसानी से, ठीक है। तो इस तरह से ये बिजी थे सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग में, तो उसके बाद क्या हुआ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग में बिजी थे, दे डिड नॉट फोकस ऑन लोकल इशू ऑफ कंट्री, तो वो लोग तो सिर्फ अपना प्रॉफिट बना रहे, लेकिन जो कंट्री का प्रॉब्लम है, देश का जो प्रॉब्लम उस समय उत्पन्न हो रहा था, है ना, जो उस समय का सोसाइटी में चैलेंजेस था, उसे वो लोग ठीक नहीं कर रहे थे, ठीक है, मतलब कि भारत का सोसाइटी का जो कंस्ट्रक्शन था या उस समय जो एडवर्स कंडीशन आ रहा था, ठीक है, उसे एड्रेस नहीं कर रहे थे, उसे छोड़ दे रहे थे, बस सिर्फ वो लोग अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे थे। तो इस चीज को कैसे सपोर्ट करोगे कि वो लोग भारत का जो समस्या था उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो सपोर्ट करोगे ना, तुम किसी को चोर बोल रहे हो या अच्छा आदमी बोल रहे हो तो उसको सपोर्ट करोगे ना एग्जाम्पल देके, तो उसी तरह यहां पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरह वो लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द बंगाल फेमिन जब आया, थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड, ठीक है, हजारों लोग मारे गए, बट कंपनी डिड नॉट हेल्प पीपल, और कंपनी जो है पीपल का हेल्प नहीं की, दिस ऑल लेड टू पब्लिक सफरिंग, ये सबसे क्या हुआ, पब्लिक सफरिंग बढ़ा, है ना, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन क्या, उसका आंसर ये है, तो सेवेंथ क्वेश्चन पे ध्यान दो, अभी तो मैं आंसर यहां ब्लिंक कर दिया हूं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पे ध्यान देना,
प्रिपेयर अ टाइमलाइन चार्ट, ठीक है, क्या बनाना है, टाइमलाइन चार्ट ऑफ फोर एंग्लो मैसूर वॉर्स, मतलब कि जो चार एंग्लो मैसूर वॉर्स हुआ था उसका टाइमलाइन बनाना, ठीक है, किस किस ईयर में हुआ, मार्किंग द इम्पोर्टेंट इवेंट्स, और उस वॉर के दौरान क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुआ, ठीक है, तो ये लो सेवेंथ इस तरह लिखोगे। फॉलोइंग्स आर द टाइमलाइन, यहां पर इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं ना, डायरेक्ट टाइमलाइन बनाने बोल रहा तो डायरेक्ट टाइमलाइन बना देंगे। फॉलोइंग्स आर द टाइमलाइन ऑफ फोर एंग्लो मैसूर वॉर एंड इट्स इंपॉर्टेंट इवेंट्स। तो फर्स्ट वॉर 1767 से 69 तक चला, ब्रैकेट में डाल दोगे, फिर ये बताओगे फर्स्ट वॉर किसके बीच में चला, क्योंकि एक एक लाइन में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो फाउट बिटवीन ट्रिपल अलायंस एंड हैदर अली, ट्रिपल अलायंस यहां पर कौन था, मराठा है ना, इंग्लिश, निजाम, ये तीन था, चैप्टर में पढ़ाए थे, समझाए थे, तो इसलिए मैं यहां पर सिर्फ ट्रिपल अलायंस लिख दिया हूं, ठीक है। तो फाउट बिटवीन ट्रिपल अलायंस एंड हैदर अली, ठीक है, ट्रिपल अलायंस एंड हैदर अली का बीच में हुआ, तो हैदर अली डिफीटेड ब्रिटिशर्स, इसमें हैदर अली ब्रिटिशर्स को हरा गए। तो इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था कि ब्रिटिशर्स साइन ट्रीटी ऑफ पीस एंड म्यूचुअल हेल्प विथ हैदर अली, तो ब्रिटिशर्स जो थे है ना हैदर अली के साथ संधि किए कि हम लोग शांति से एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट के टाइम हुआ। अब फिर देखो सेकेंड वॉर, सेकेंड वॉर कब हुआ, 1782-84 फॉट बिटवीन हैदर अली अलायंस, अब की बार किसका अलायंस है, हैदर अली अलायंस एंड ब्रिटिशर्स, तो हैदर अली अलायंस किसका था, हैदर अली के साथ अलायंस किसका था, मराठा और निजाम का, है ना, सेकेंड वॉर जो थे ये तीन लोग थे, हैदर अली, मराठा, निजाम और ब्रिटिशर्स एक साइड से था, ठीक है। तो सेकेंड वॉर में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, हैदर डाइड ड्यूरिंग वॉर, हैदर अली की मृत्यु हो गई है ना, एंड ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन, और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ। नाउ थर्ड वॉर, 1790-92 फाउट बिटवीन टीपू एंड ब्रिटिशर्स, यहां पर सिर्फ टीपू और ब्रिटिशर्स थे, इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ, टीपू फोर्स्ड फॉर ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम, टीपू को लास्टली फोर्स किया गया, ठीक है, एक दूसरे की तरफ से बहुत युद्ध में क्षति हो रहा था, तो इसे टीपू फोर्स में आ गया कि भाई चलो ट्रीटी कर लेते हैं, शांति करते हैं, ठीक है, एक दूसरे का जो एरिया है उस पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इस तरह का सीन था, ठीक है। तो फिर उस समय कौन सा ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम, ठीक है, और उसके बाद फोर्थ वॉर, फोर्थ वॉर हुआ लॉर्ड वेलजली के टाइम में, है ना, लॉर्ड वेलजली थे यहां गवर्नर जनरल, ठीक है। तो फोर्थ वॉर इंडेड विथ टीपूज डेथ, और चौथा वार में टीपू का डेथ हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर सेवन तक का आंसर है, ये क्वेश्चन 5, 6, 7 थोड़ा लंबा लंबा था, तो लंबा लंबा था तो इंटरेस्टिंग भी था, क्यों, क्योंकि सारा तो कहानी लिखे, ऐसा कुछ नहीं लिखे याद करने वाला चीज, और ऐसा कुछ सिर्फ कहानी है, स्टोरी समझो उसी को इंग्लिश में लिख लो, ठीक है, सेम चीज की। तो बस ये तुम्हारा एक रोडमैप है कि किस तरह से क्वेश्चन आंसर्स लिखा जाता, बनाया जाता, ठीक है। तो इस पैटर्न को तुम लोग उम्मीद करते अच्छा से समझे होगे, है ना, और याद करने में आसानी भी होगा, तो इसका नोट्स तुम लोग बना लोगे अच्छे से सुंदर हैंडराइटिंग में, और सर जैसे कि नोटिस दिए हैं तुम लोगों को कॉपी सबमिट करना है, तो बढ़िया से सुंदर हैंडराइटिंग में सारा ये सब जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अच्छा से नोट्स अपना फेयर करके तुम लोग सबमिट करोगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन 8 है, ठीक है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, बैटल ऑफ प्लासी, एंग्लो मराठा वॉर, डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंट सी, ठीक है, ये सब पे कंप्लीट करेंगे। ओके, सो गुड बाय, टेक केयर, बाय।